एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग का हॉबी हमें खुशियां देती है, हमें जिज्ञासु बनाती है, एंड इसके लिए जानकारी सिर्फ 3 मिनट में मयूर देव क्लिप्स में आप देख सकोगे, तो देखो। जापान जैसे कंट्री में जाके देखते हैं ना, तो कोई फिश ब्रीडिंग का एक मतलब जुनून है। ये याद रखो, जब कोई फिश ब्रीड करते हैं तो हजारों अंडे देते हैं, हजारों अंडे देते हैं, कभी कभी एक नंबर जैसा नहीं बट 2000 1000 ऐसा अंडे देते हैं एक ही टाइम में, ज्यादा भी हो सकता है। तो जब ब्रीड करते हैं तो एक ब्रीडर के पास बहुत सारे अंडे आ जाते हैं। जापान में एक ब्रीडर से मैं बात कर रहा था जनरली, तो मैंने उनसे पूछा कि बस इतने सारे अंडे आते हैं आप करते क्या? सो ही सेड सी हम लोग कंपटीशन के लिए ब्रीड करते हैं, तो कंपटीशन ब्रीडिंग में हमारे को कितने भी हजार अंडे आने दो, वो सब बच्चे होते हैं। जैसे अगर 1 लाख अंडे मिलते हैं तो हम 15,000 बच्चे उसमें सेलेक्ट करके निकालते हैं, उसमें फर्दर 1,000 बेबीज निकाल के हम उसको और सेलेक्ट करके कलर्स पैटर्न सब सेलेक्ट करके फिर फाइनली 6 या 5 हम लोग वापस रखते हैं, बाकी मार्केट में दे दिया जाता है। नाउ इसको ग्रेडिंग कहते हैं। ये जो 15 करोड़ वाला फिश है वो SS ग्रेड है। सो ये ग्रेड जो है कलर पैटर्न स्किन शाइन ब्यूटी वो सब देखा जाता है, एंड ये उसका एक यू नो क्वालिटी या शो ब्रीडिंग। इंडिया में ज्यादातर एक बहुत ही लोअर ग्रेड का फिश ही है। बहुत लोग बोलते हैं कि जापानीज कोई है बट कोई मंगा के देता नहीं है, अलग ग्रेड होता है एंड ग्रेड के हिसाब से पैसा भी होता है। जो कोई फिश आप अपने पास वाले दुकान में 50, 100, 200, 300 रुपए में खरीदते हैं वो बहुत ही लो ग्रेड वाला होता है। मछली बुरा नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ कि ग्रेड ये है वो है, मैं ये चाहता हूँ कि ग्रेड कौन सा भी हो देखभाल 100% होना चाहिए। ग्रेड पे मत जाओ, आप अगर फिश पसंद करते हो, कोई फिश पसंद करते हो तो देन आप अच्छा खाना दो, अच्छा टैंक दो, बड़ा टैंक दो, फिल्ट्रेशन अच्छा रखो एंड फिश को हेल्थी और हैप्पी रखो। आई बिलीव ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं हमारे इस चैनल में, सो देखो, जानकारी लो, जिज्ञासा अपना पूरी करो एंड ऑफकोर्स एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग हॉबी का पूरा पूरा मजा लो। ओके, थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब खैर एंड सत श्री अकाल, बाय बाय।